लालकुआ में डेंगू से महिला की मौत के बाद जिला मलेरिया विभाग जागा है। डेंगू व मलेरिया बीमारी के प्रकोप फैलने के बाद मलेरिया विभाग ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर फॉगिंग की व लोगों को डेंगू की बीमारी से बचाव के उपाय बताए। जिला मलेरिया अधिकारी अर्जुन सिंह ने बताया कि कुछ इलाकों से मच्छर का लार्वा एकत्र किया गया है, जिसमें डेंगू के मच्छर पाए गए हैं। गौरतलब है कि इस समय लालकुआ की नगीना कॉलोनी, बंगाली कॉलोनी, खड्डी मोहल्ला सहित अन्य इलाकों में डेंगू और मलेरिया से दर्जनों लोग बीमार हैं, साथ ही वायरल फीवर के रोजाना दर्जनों मरीज आ रहे हैं। यहाँ पे फॉगिंग स्प्रे कर रहा है, इससे पहले हमारा डीजी का स्प्रे हुआ, 15 दिन से पहले हमारा कार्यक्रम कैसे चल रहा है। हमें यहाँ 25 एकड़ में जो है हमारा 25 एकड़ से लेके हमारा हाथी खाना तक जो है पूरा एरिया हमारा स्प्रे में कवर हुआ है कार्यक्रम का, और 25 एकड़ राजीव नगर, बंगाली कॉलोनी, हाथी खाना, ये हमारे सब की है जो हमारा काम चलता है। लार्वा तो पिछले मैंने कुछ निकले थे, लेकिन अब इस समय इसमें सब ढेर हो चुके हैं, इसमें कोई लार्वा नहीं है। देवभूमि न्यूज़ हल्द्वानी।